राजस्थान में कांग्रेस की अंदरूनी सियासत एक बार फिर गर्माने के संकेत है। सचिन पायलट गुट के असंतुष्ट विधायक हेमाराम चौधरी ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। हेमाराम ने ईमेल और डाक से अलग अलग इस्तीफे की कॉपी विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी को भेजी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। हेमाराम चौधरी ने खुद इस्तीफा भेजने की पुष्टि की है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने हेमाराम चौधरी के इस्तीफा भेजने के बाद मीडिया से दूरी बना ली है। जोशी मीडिया को जवाब नहीं दे रहे हैं। हेमाराम चौधरी ने भास्कर से कहा, मैंने विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफा भेज दिया है, इस्तीफा ईमेल कर दिया है और डाक से भी भेज दिया है। मैंने पहले भी इस्तीफा दिया था लेकिन उस वक्त स्वीकार नहीं किया गया था। पार्टी ने मुझे मनाया तो मान गया था। अब 2.5 साल से विधायक हूँ, बहुत हो गया। आगे 2.5 साल नहीं रहूँगा तो क्या हो जाएगा? इस्तीफे की वजह इसके स्वीकार होने के बाद बताऊंगा। हेमाराम चौधरी सचिन पायलट खेमे के विधायक है। पिछले साल पायलट खेमे की बगावत के समय हुई बाड़ेबंदी में भी वे 19 विधायकों के साथ बाड़ेबंदी में थे। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान भी हेमाराम ने तल्ख तेवर दिखाते हुए सरकार पर उनकी आवाज़ दबाने और उनके विधानसभा क्षेत्र में विकास के कामों में भेदभाव का आरोप लगाया था। हेमाराम चौधरी सरकार बनने के बाद से ही असंतुष्ट चले रहे हैं। उनकी जगह हरीश चौधरी को मंत्री बनाया गया था, तब से वे नाराज हैं। आपको बता दें कि हेमाराम चौधरी ने इससे पहले भी इस्तीफा दिया था लेकिन उस वक्त पार्टी ने उन्हें मना लिया था, लेकिन इस बार हेमाराम चौधरी के इस्तीफे देने की कोई भी वजह अभी तक खुलकर सामने नहीं आ पाई है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो शेयर और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।